देखो सबसे पहले तो हमने एक पिक्चर यहाँ पे लिया, इंसर्ट कर दिया। फिर सेकंड पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं, जो भी पिक्चर हमें लेना है। ठीक है, ये पिक्चर ले लिया। इस पिक्चर का हम साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और इस पर डबल क्लिक करके ये अपेयर हो जाएगा, इसका फॉर्मेट विंडो अपेयर होना चाहिए। 2013 के अंतर्गत यहीं पे राइट क्लिक करने पर आपको ये आइकॉन दिखाई देगा, इस प्रकार का वारपिंग का। आपको इस आइकॉन का भी रूटीन रखना है ना। आइकॉन से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि इससे क्या होना है, ठीक है। तो वारपिंग में हम इसको कर देते हैं इनफ्रंट, ठीक है। इनफ्रंट करने के बाद शायद वो पिक्चर हमारा सेलेक्ट था, इसलिए उसी के ऊपर इंसर्ट हो गया। फिर सब जाते हैं इंसर्ट में, पिक्चर में, और ये पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनफ्रंट हो गया और पिक्चर चला गया। इसके बाद इसको हम छोटा करते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन हमने चेंज कर लिया है, ये सेट कर दिया। सेट करने के बाद हम सेट पिक्चर में सेट ट्रांसपेरेंसी कलर क्लिक करते हैं, ये कलर चला जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये भी हमें ध्यान रखना डिजाइन बनाते समय कि पिक्चर या जो डिज़ाइन बना रहे वो कहीं से सिकुड़ नहीं रहा, ठीक है, कहीं से कंप्रेस नहीं हो रहा हो। एक तरफ से मालूम पड़ा कि कभी कभी क्या करते हैं हम, ये ऐसा कर देते हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम उस पिक्चर को स्क्वायर रखें, या कोई इस प्रकार की पिक्चर है तो फिर उसको बराबर सेट कर दें कि वो प्रॉपर व्यू में आ जाए, ठीक है। ये हमने फोटो यहाँ पर सेट कर दिया। अब हमें इसमें कोई डेटा ऐड करना है, जैसे एवरी डिड रिटर्न टू द डॉर, ये तो हमने लिखा ही है, ये तो बाई डिफॉल्ट पिक्चर में लिखा है। यदि इसको हटाना है तो वो फिर एमएस पेंट में पहले इसको एडिट करके लाना पड़ेगा इस डेटा को, ठीक है। तो उसको भी बता देता हूँ कि उसको आप कैसे करें। तो आप उस पिक्चर पे जाइए, ये पिक्चर है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ में पेंट को क्लिक करते हैं, समझ, ठीक है। इस पिक्चर का मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और अब ये डेटा हमें हटाना। तो देखिए एमएस पेंट आपको डायरेक्टली ऐसे हटाने की सुविधा नहीं देता है तो क्या करें कि उससे रिलेटेड कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं, कॉपी करेंगे तो ये इसका कॉपी हो जाएगा। हालांकि इसमें अलग से कटा हुआ इस प्रकार की पट्टी आपको दिखाई देगी, थोड़ा सा इसमें अलग अलग जगह से आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से थोड़ा थोड़ा लेंगे तो ये फिर ऐसा दिखाई नहीं देगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट टूल की जगह आप फ्री फॉर्म सिलेक्ट करिए, और फ्री फॉर्म से फिर आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से सिलेक्ट करिए कि वो अलग से बना हुआ दिखाई ना दे। इसमें तो दिखाई देगा, लेकिन हम इसमें ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई डेटा हमें यदि ऐड करना है या कोई ग्राफिक हमें जोड़ना है जिसके ऊपर ऐड करना है, तो हम यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में और एक्स ऑटो शेप ले लेते हैं। ये ऑटो शेप हम लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल, और इसको यहाँ से खींच देते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल लिया, इसमें कोई भी कलर हम फिल कर देते हैं, है ना। अब उससे मिलता जुलता कलर हमने फिल कर दिया। इसकी बॉर्डर वाइट आ रही है तो हम वाइट बॉर्डर को हटा देते हैं, जिसे हम आउटलाइन बोलते हैं। इस आउटलाइन को नो फिल करते हैं, ठीक है। और ये जो जगह थोड़ी सी दिखाई जा रही है इसको हम पूरा फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी डेटा ऐड कर पाएंगे एक्स्ट्रा, जो भी करना है, या फिर हम कलर भी चेंज करके रख सकते हैं और उसका आउटलाइन नो आउटलाइन रख सकते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ये
अब इस पे कोई डेटा लिखना है हमें, माना कि हिंदी में लिखना है, तो हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर वर्ड आर्ट ऑप्शन मिलेगा। इस वर्ड आर्ट से यहाँ पर कोई भी वर्ड आर्ट डिज़ाइनिंग आप ले लीजिए, जैसे ये वाली डिज़ाइनिंग हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी इंग्लिश में लिखना है हमारा, हिंदी में लिखने के लिए हमें हिंदी फॉन्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे सिस्टम में इसमें हिंदी फॉन्ट नहीं है, तो हम पहले इसमें हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। फॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर जो भी फॉन्ट लेना है, जैसे हमें क्रुतिदेव का लेना, टाइप करते हैं क्रुतिदेव फॉन्ट, ठीक है, क्रुतिदेव 10 डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया है यहाँ पे, ये कृति का फॉन्ट है ना, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं आप, ये इंस्टॉल हो जाएगा। या फिर जैसे इसे इंस्टॉल नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो आप इसको कॉपी करिए और इसके बाद कंट्रोल पैनल में जाना होगा। यहाँ पर आपको एक फॉन्ट नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, लार्ज आइकॉन को क्लिक करिए, यहाँ पर मिलेगा फॉन्ट। इस फॉन्ट में यहाँ पर ये सारे फॉन्ट है, इसमें आप उसको पेस्ट कर दीजिए। शायद हमारा कॉपी नहीं हुआ है या शायद वहाँ से इंस्टॉल करने पर आ गया है, ये कृतिदेव आ गया है, ठीक है ना। अब हम इसका यूज़ अपने डॉक्यूमेंट फाइल में कर पाएंगे। वर्ड आर्ट में हमने ये वर्ड आर्ट सिलेक्ट किया था, यहाँ पर अभी इंग्लिश आ रहा है, यहाँ पर हम कृतिदेव टाइप करते हैं। ये कृतिदेव, ठीक है, कृतिदेव 10। अब इसमें हमें जो भी लिखना है, जैसे हमें लिखना है महान, ठीक है, ये लिया और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट तैयार किया, ये डुप्लीकेट आ गया। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये ऊपर देखेंगे आप इसकी डिजाइनिंग विंडो आ गई, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में जाना है और फिर आगे का जो भी लिखना है, हमें लिखना है महान बनने के लिए। ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है, इसको हम आगे इसके आगे यहाँ पर रख सकते हैं। अब ये प्रॉपर व्यू में नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग लेआउट है वो इसके साथ में प्रॉपर नहीं बैठ रही है, तो हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर डिजाइनिंग विंडो आ गया। इस डिजाइनिंग विंडो में यहाँ पर ये फिल कलर है, जो भी कलर फिल उसका करना चाहते हैं वो अंदर का कलर कर सकते हैं। इसी प्रकार आउटलाइन है, तो आउटलाइन भी आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये महान बनने के लिए है ना। अब यदि येलो कलर की जगह हम, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है, तो हम इसकी जगह वाइट कलर रखते हैं, तो शायद है कि और उठाओ दे देगा। फिल कलर में वही रखना है और आउटलाइन में भी वही रखना है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये तो हम इसकी डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। कोई भी दूसरा डिजाइनिंग यहाँ से चेंज, ऑटो शेप से भी, ऑटो शेप से तो उसका शेप चेंज होगा, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये वाले लेने के बाद फिर से एडिट पे जाएंगे हम और फॉन्ट तो हमें सेट करना होगा कृति फॉन्ट्स, ओके करेंगे, और इसका जो बॉर्डर लाइन ब्लैक है उसको भी हम वाइट कर देंगे। ये देखिए वाइट होते ही इसमें फैक्ट थोड़ा सा आ गया पढ़ने में, व्यवस्थित आ रहा महान बनने के लिए। इसको भी यही करेंगे, और यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं चेंज, इसको इटालिक टाइप का कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी फॉन्ट तो वही वाइट करेंगे, फिल कलर में वाइट, और जो आउटलाइन है वो भी वाइट, ठीक है, और जो स्टाइल है वो भी वही करेंगे। एक बार हमें फॉन्ट फिर से चेंज करना पड़ेगा,
हालांकि हमने कृति देव का एक ही कृति देव 10 ही फॉन्ट लिया है, यदि और दूसरे फॉन्ट लेंगे तो बाय डिफॉल्ट बोल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। ये हमने इसके अलावा यदि हमें यहाँ पर कोई लाइन लिखनी है या इन्हीं लाइनों को यहाँ पर रखना है और नीचे कुछ और रखना है तो वो आप रख सकते हैं, इनको और आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना नाम या कोई विशेष लाइन लिखनी हो तो भी हम ऐड कर सकते हैं। जिसमें डाल दिया शुभम अकेडमी, थोड़ा जूम इसका आप यहाँ से बढ़ा सकते हो काम करते समय। अब यदि इस नाम में ही शेडो बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा साइज और बड़ा कर लेते हैं और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट हमने लिया है इसका जो फिल कलर है, डबल क्लिक करेंगे और ऑटो फिल में इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, और जो बॉर्डर कलर है वो भी कर देते हैं हम ब्लैक, और यहाँ पे जो वाइट वाला है ये वाइट है इसको इसके ऊपर रख दो और थोड़ा सा मूवमेंट हल्का सा ऊपर कर दो तो आपको नीचे ब्लैक का शेडो दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से एमएस वर्ड में रहते हुए आप कोरल ड्रॉ जैसी डिजाइनिंग बना सकते हैं। ये ग्राफिक एप्लीकेशन जितने बैनर वगैरह बने होते हैं वो कोरल ग्राफिक से बने होते हैं, लेकिन रिलेटेड हम एमएस वर्ड में बना सकते हैं। ठीक है, और भी आगे